now we are going to solve the second question on over capitalization. The question is given here. Before reading the question, we should know about the conditions which are being satisfied to know the situation which is being faced by the company, whether he company is in over capitalized situation or under capitalized. So here we are studying about over capitalization. So the three conditions are: actual rate of earning should be less than current rate. Second is your real value of business is less than book value. Then book value of business, then real value of shares is less than book value of shares. These all three conditions should be satisfied. If all these conditions are satisfied, then company can be said that company is in overcapitalized situation. Question read karte hain. Following are the balances of trial balance. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. एक तरफ आपके शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मतलब क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, और एक तरफ डेबिट बैलेंसेस दिए हैं जिसमें एसेट दी हुई है सारी, करंट एंड नॉन करंट एसेट. अब इसकी हेल्प से हमें पता लगाना है कि कंपनी की ओवर कैपिटलाइज सिचुएशन है कि नहीं. नीचे दिया हुआ है प्रेजेंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब करंट रेट दिया है 10%. तो हम यहां लिख लेते हैं करंट रेट इज 10%. सो आई एम राइटिंग हियर करंट रेट. करेंट रेट 10%. हमें फर्स्ट कंडीशन में एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना होता है और करेंट रेट निकालना होता है, उसको कंपेयर करना होता है, जो तीन कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी. तो देखिए यहां पे एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना है, और नीचे देखिए एवरेज थ्री इयर्स के प्रॉफिट भी दिए हुए हैं, 20,000, 40,000, 60,000, कमेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी. अब हमें एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना है क्योंकि तीन कंडीशन हमें चेक करनी होती है, जिसमें पहली कंडीशन है आपका एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग और करंट रेट, दोनों में एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग लेस होना चाहिए. तो वही चेक करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले निकालना है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग. तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग के लिए एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 100 चाहिए हमें. एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा, नीचे तीन साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 60,000 वो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया. तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया 60,000, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 60,000. अब कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है. कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल एसेट कर लेते हैं, तो देखिए टोटल एसेट में प्रीमाइसेस दिया है 4 लाख रुपीज का, देन आपका 160 का मशीनरी है, आफ्टर दैट फर्नीचर 40,000, देन डेटर्स स्टॉक, डेटर्स आर 1 लाख एंड स्टॉक 80,000. ये स्टॉक हो गया आपका. कैश एट बैंक 40,000. डिबेंचर डिस्काउंट मेरा एसेट नहीं है, फिक्टिशियस एसेट है वो हमारी, तो ये काउंट नहीं होगी. अब आते हैं माइनस करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज है हमारी, इस साइड देखिए दिया हुआ है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मतलब 40,000 एंड 20,000 विच इज 60,000. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें कैपिटल इंप्लॉयड मिल जाएगा 4, 5, 6 लाख, 7 लाख, 80,000 एंड 40,000, 8 लाख 20,000. तो 8 लाख 20,000 हमारी टोटल एसेट हो गई, डिडक्टेड 60,000. तो हमें वैल्यू मिल जाएगी टोटल एसेट की, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी कैपिटल इंप्लॉयड की, 8 लाख 20,000 माइनस 60,000 विच इज 7 लाख 60,000. हमें कैपिटल इंप्लॉयड भी मिल गया 7 लाख 60,000. कैपिटल इंप्लॉयड 7 लाख 60,000 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें करंट रेट मिल जाएगा क्या है. तो चलिए सॉल्व करते हैं, 60 × 100 डिवाइड बाय 7 लाख 60,000 विच इज 7.89%. 7.89% और करंट रेट चल रहा है 10%. इट मींस पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, विच इज एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज लेस देन करंट रेट. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. तो अब हमें सेकंड कंडीशन में रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस को कंपेयर करना होता है. तो दोनों को पहले कैलकुलेट करते हैं कितनी है, देन वी विल कंपेयर व्हाट इज रियल वैल्यू एंड विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस. सो बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज टोटल एसेट माइनस आउटसाइड डेट. आउटसाइड डेट मतलब बाहर से जो लोन लिया गया है.
जैसे डिबेंचर हो गए, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, तो टोटल एसेट अभी मैंने कैलकुलेट किया 8,20,000। इसके पहले अभी मैंने जस्ट कैलकुलेट किया था जिसमें सारी एसेट्स को टोटल किया था। आउटसाइड डेट में देखिए हमारे पास दिया है आपका डिबेंचर्स दिए हुए हैं आउटसाइड डेट में, देन आपके बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं। तो डिबेंचर्स की वैल्यू 6% डिबेंचर्स 24,000। देन हियर इट इज गिवन, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू पूरी आउटसाइड डेट की। डिबेंचर्स के बाद बैंक लोन 80,000, क्रेडिटर्स 40,000, तो हम दोनों को टोटल करके 120 लिख दे रहे हैं। देन इसके बाद हमारा लास्ट में है बिल्स पेबल विच इज 20,000। अब इसको टोटल करते हैं हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो 820 माइनस 140,5164, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को क्योंकि हमें वैल्यू मिल चुकी है 6,56,000। सो दिस इज योर बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। नाउ रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस विच इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन करंट रेट इनटू 100। करंट रेट तो हमें पता है 10% है, तो यहां पे हम 10% लिख लेते हैं 100। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन में देखिए 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है विच इज विच आर 20,000, 40,000 एंड 60,000। तो एवरेज कर लेते हैं, इन तीनों का टोटल आएगा आपका 6,120,000। 40,000 इज माई एवरेज प्रॉफिट, तो 40,000 यहां रख देते हैं, नॉट दिस जीरो। सो दिस इज योर 4,00,000 रुपीज। 4,00,000। अब आगे हम कंपेयर कर लेते हैं रियल वैल्यू एंड बुक वैल्यू। तो रियल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। सेकेंड कंडीशन से भी पता चलता है कंपनी जो है ओवर कैपिटलाइज सिचुएशन में है। नाउ द थर्ड क्राइटेरिया जिसमें हमें रियल वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी होती है एंड बुक वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी होती है। दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। रियल वैल्यू एंड बुक वैल्यू मैंने इसके प्रीवियस कंडीशन जो मैंने सेटिस्फाई की थी उस पे निकाली थी बिजनेस की रियल वैल्यू एंड बुक वैल्यू, तो वहीं से हम वैल्यू उठा लेते हैं। रियल वैल्यू आई थी 4,00,000 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में देखिए दिए हुए हैं 60,000। स्टार्टिंग में लिखा है शेयर कैपिटल, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 6, 5 = 30, 6 divide करते हैं 6, 7 = 42, 6, 6 = 36, 6, 8 = 40, 6.8 rupees is the real value of per share. Now book value is 6,56,000 जो अभी हमने कैलकुलेट की है and number of shares are 60,000। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं 6,56,000 डिवाइडेड बाय 60,000 विच इज 10.93। सो द वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 10.93। थर्ड कंडीशन को भी देख लेते हैं क्या हो रही है। रियल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज 10.93 एंड रियल वैल्यू इज 6.8। तो तीनों कंडीशन हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को डिपिक्ट कर रही है। सो द कंपनी इज अंडर ओवर कैपिटलाइज्ड सिचुएशन।